आज प्रदेश भर में मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नगर निगम हॉल सोलन में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडे उपस्थित हुए। यह कार्यक्रम खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में इस योजना के लाभार्थियों को भी बुलाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में सोलन पहुंचे तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडे ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य, अगर आपको स्मरण है तो याद आता हो तो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष के अंदर उज्ज्वला योजना शुरुआत किया था, और उस उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बहुत से ऐसे परिवार थे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो छूट चुके थे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जी राम जी की सोच कि बीपीएल परिवारों को ही कवर किया जा रहा है। बहुत से ऐसे हमारे पास हिमाचल प्रदेश के अंदर बीपीएल परिवार के लोग भी हैं जो उसमें कवर नहीं हो पाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ा योजना, एक महत्वाकांक्षी योजना हिमाचल प्रदेश शुरुआत किया था कि दोनों, चाहे बीपीएल हो चाहे एपीएल हो, सभी को मिलना चाहिए, महिलाओं के लिए विशेषकर। जिस गरीब महिला हो उसके, आज हम देखते हैं धुएं से कितने बीमारी फैलता है। मुख्यमंत्री मोदी ने ये योजना हिमाचल प्रदेश के हर परिवार के लिए जो है शुरुआत किया था। ये आज हमने इस साल चलते एक रिफिल की बात की, दो इस साल हम तीन रिफिल जो उनको फ्री में दे रहे हैं। आज ये योजना हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी कुल्लू से जो है पूरे हिमाचल प्रदेश को संबोधित करेंगे। हम सारे मंत्रियों की ड्यूटी आज हिमाचल प्रदेश में लगाए कि इसकी योजनाओं के बारे में प्रचार प्रसार भी हो और उसका लाभ पब्लिक तक पहुँचे। बहुत सी योजनाएं मुख्यमंत्री महोदय ने चलाए, हमारे कार्यकर्ता भी गाँवों पहुँचा रहे, घर पहुँचा रहे हैं, परंतु कुछ योजनाएं रह जाता है। हम चाहते हैं इस योजना के माध्यम से वो बेनिफिशरीज यहाँ बुलाए गए हैं उनको अपने हाथों सम्मानित करें, ताकि कुछ लोग छूट गए हैं किसी कारणवश, वो योजना वहाँ तक पहुँचे। मुख्य योजना ताकि मुख्यमंत्री महोदय की सोची है कि योजनाओं का लाभ पब्लिक को मिले और प्रचार प्रसार हो, इसका लाभ सरकार तक पहुँचे। मैंने इसलिए कहा प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है, इसलिए हम आए हैं कि जो है जितने बेनिफिशियरी यहाँ अधिकारी हमारे कार्यकर्ता, जिससे मैंने कार्यकर्ताओं का नाम भी लिया, कार्यकर्ता दिन प्रतिदिन दिन रात लगा है। हम यही चाहते हैं कि जो उनको सिलेंडर मिल रहा है, हो सकता है उनकी जरूरत आवश्यकता कम पड़ती हो। गाँव में मैं देख रहा हूँ, मेरे लाहौल स्पीति के अंदर जो है एक सिलेंडर मिलता है, एक सिलेंडर से हमारा महीना निकल जाता है। हमने एक सिलेंडर दो तीन सिलेंडर देने की बात की है, जितनी आवश्यकता उन्हें लोग लेंगे। जहाँ कई लोगों की आवश्यकता परिवार में तीन सिलेंडर आवश्यकता, तीन सिलेंडर लेंगे, ये हमने शुरुआत की है। कांग्रेस हमेशा इस योजना पर निशाना साधती है और यही कहती है कि जो एक तरफ है फ्री दे रहे हैं और दूसरी तरफ सिलेंडर के जो दाम है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। कांग्रेस के बात तो मैं बात कहना चाहूँ, कांग्रेस के पास कोई योजना नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक बौखलाहट में है, इनको पता है इलेक्शन सामने आ चुका है, किस तरह से एक हमारी योजना का विरोध करना है, सिर्फ विरोध का स्वर ही है। और योजनाएं जो जितनी योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने चलाया है, माननीय मोदी चलाया है, आदरणीय ठाकुर जयराम जी ने चलाया है, योजनाएं पब्लिक के लिए चलाया है, गरीब लोगों के चलाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के लिए कोई नीति नहीं, कोई योजना, कोई नीति, कोई नेता नहीं है, वो इसको विरोध करेंगे। कांग्रेस की इनका रणनीति के इनकी योजना ही है। आपका फैसला के लिए सोलन से ठाकुर ज्ञान सुमन की रिपोर्ट।